पिछले साल की हिट फिल्मों में से एक थी एयरलिफ्ट। अक्षय कुमार ने एक ऐसे शख्स का किरदार निभाया जो खुद को खतरे में डालकर कुवैत पर हुए इराकी आक्रमण के बाद वहां से हजारों भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालता है। जैसा कि सभी जानते हैं, रंजीत कात्यायल का जो किरदार अक्षय कुमार ने निभाया था वो किसी फिक्शनल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक सचमुच के शख्स की कहानी थी। उस शख्स का नाम है मैथ्यू मैथ्यूज। लेकिन इस रियल हीरो से जुड़ी बेहद बुरी खबर सामने आई है। एयरलिफ्ट के असली हीरो 81 साल के मैथ्यू मैथ्यूज उर्फ सनी मैथ्यूज की कल कुवैत में मौत हो गई है। उनके निधन के बाद अक्षय कुमार ने दुख जताया है। मैथ्यूज केरल के रहने वाले थे जो लगभग 20 साल की उम्र में पानी के जहाज से कुवैत चले गए थे, जहां वो 1956 में एक सफल बिजनेसमैन बन गए। यहां वो अल्शेयर ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट तक जा पहुंचे। ये कंपनी टोयोटा कारों की बिक्री और रेंटल में डील करती थी, इसी वजह से उन्हें टोयोटा सनी के नाम से भी पुकारा जाता था। दशकों तक कुवैत में रहने की वजह से वहां उनका दोस्तों और हित चिंतकों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन गया। 1990 में सद्दाम हुसैन ने कुवैत पर हमला बोल दिया। इराकी सेना वहां घुस आई और हजारों भारतीय वहां फंस गए। ऐसे मैथ्यूज ने अपने कॉन्टेक्ट और अपनी सूझबूझ के दम पर वो कर दिखाया जो इतिहास की प्रेरक कहानियों में शुमार हो गया। ये उन्हीं के प्रयासों का फल था कि 1,70,000 भारतीयों को बचा लिया गया। युद्ध जैसे हालात के बीच उन्होंने वो कर दिखाया जो बिना किसी शक उन्हें हीरो बनाता है। लेकिन मैथ्यूज के इतना बड़ा काम करने के बाद भी लोगों को उनके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। ज्यादातर भारतीयों को तो उनके बारे में पता ही तब चला जब अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट आई। एयरलिफ्ट के रिलीज के वक्त उनकी पोती रिया मैथ्यूज ने फेसबुक पर एक पोस्ट की जिसे बहुत शेयर किया गया था। अपने इस पोस्ट में रिया ने एयरलिफ्ट बनाने वालों का शुक्रिया कहते हुए कहा था कि इस फिल्म की वजह से वो लोगों को याद रहेंगे। टीम इंडिलिंक्स।